नमस्कार, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो फाइनली माइक्रोमैक्स इन 2B के अंदर यहां पर अब अपडेट पुश होना शुरू हो चुका है और यहां पर आपको क्या क्या चीजें नई देखने को मिलती है या नहीं मिलती है और कैसा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नया है तो बिना किसी देरी के फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर ले क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो माइक्रोमैक्स इन 2B वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड फोन है अपने 8,500 रुपए के सेगमेंट में। जब ये लॉन्च हुआ था तो कुछ 7,500 में मैंने इसे लिया था, लेकिन 8,500 रुपए इसकी प्राइसिंग अभी हो गई है फिलहाल के लिए। तो काफी ज्यादा वैल्यूड, पावरफुल और सारे डे टू डे टास्क को आपको हैंडल करेगा। तो यहां पर बहुत दिनों से लोगों की शिकायत थी टच इश्यूज, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पास्ट में इसके ऊपर एक वीडियो कवर अप किया हुआ है जहां पे मैंने आपको बताया है कि आप कैसे यहां पर इसका टच इश्यू फिक्स कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कवरेज दिया हुआ था। तो यहां पे मेजरली सॉफ्टवेयर बग की वजह से ये सारी चीजें चल रही थी। तो माइक्रोमैक्स इन 2B को इस्तेमाल करते हुए काफी समय मुझे हो चुका है, अब टेक्निकली यहां पर एक अपडेट भी आ चुका है। इस अपडेट को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो माइक्रोमैक्स इन 2B में यहां पर एक अपडेट आया है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे 352 MB का ये अपडेट है और यहां पे कोर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स बताया जा रहा है, जनरल बग फिक्सेस और यहां पे सितंबर का आपको सिक्योरिटी पैच मिलता है। जी हां, थोड़ा देर आया लेकिन दुरुस्त आया सितंबर का सिक्योरिटी पैच। ये ऑलमोस्ट आज एंड ऑफ द मंथ ही अभी चल रहा है मान के चलिए आप, तो यहां पर अभी आपको मिलता है सितंबर का सिक्योरिटी पैच। तो मेजरली जो यहाँ पे मुझे चेंजेस जो नजर आए वो मेजरली यहां पर था कि कैमरा में मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैमरा की रियर कैमरा की क्वालिटी थोड़ी इंप्रोवाइज हुई है, फ्रंट कैमरा में उतना कुछ ज्यादा मेजर नहीं है लेकिन रियर कैमरा में यहां पर मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। यहां पे जो इमेजेस के जो डिटेल्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। मैंने यहां पे लो लाइट कंडीशंस में भी चेक किया, फ्लैश के साथ भी चेक किया और नेचुरल लाइट कंडीशंस में भी। तीनों लाइट कंडीशंस में जब मैंने चेक किया तो यहां इमेज की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, बेहतर लगी और जो नेचुरल लाइट कंडीशंस जो आउटडोर कंडीशंस हैं वहां पर इमेज काफी अच्छी यहां पर क्वालिटी निकाल करके दे रहा है। वहीं फ्लैश लाइट के साथ जब मैंने माइक्रोमैक्स इन 2B में पिक्चर्स यहां पे इमेजेस क्लिक किए तो वहां पर भी मुझे काफी बढ़िया लगा। जी हाँ, तो ओवरऑल यहां पे इमेज की क्वालिटी मैं बोलूंगा कि जबरदस्त है, तगड़ी हो चुकी है, अच्छा है। प्राइसिंग वाइज फ्रंट कैमरा डज द जॉब, आई स्टिल रिपीट इट डज द जॉब, बहुत ही ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन अपडेट के बाद यहां पर रियर कैमरा में तो इंप्रूवमेंट है। अब ये तो हो गई कि इसकी अच्छाई, दूसरी चीज अच्छाई में एक और चीज यहां एडेड है, परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो चुका है, स्मूथ हो चुका है, फिंगरप्रिंट स्कैनर अब ज्यादा फास्ट हो चुका है, ज्यादा क्विकली आपके यहां पर फोन को अनलॉक करता है। ये चीज मुझे अच्छा लगा कि भाई साहब फिंगरप्रिंट स्कैनर को थोड़ा और बेहतर कर दिया गया, ज्यादा क्विक यहां पर रिस्पॉन्स करता है। ये सारी चीजें तो ठीक हो गई कि चलो भाई सॉफ्टवेयर अच्छा काम कर रहा है, टच इश्यूज नहीं है, यहां पर कैमरा इंप्रूव हो गई रियर कैमरा की और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक ड्रॉबैक इसके अंदर मुझे देखने को मिल रहा है अपडेट के बाद और शायद मैं इसे फैक्ट्री रिसेट करने के चेक करने की कोशिश करूंगा कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और कम्युनिटी पे भी एक्टिव रहना होगा, हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा नहीं किया है तो वो मुझे चेक करना होगा। तो ये बग है, ये सारी चीजों को स्पॉइल कर सकता है। ये बग है यहां पर बैटरी, जी हाँ बैटरी, चार्जिंग में तो वही टाइम लगता है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है वो है बैटरी ड्रेनेज, बहुत ही गंदा बैटरी ड्रेन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल रात लगभग 10 बजे हमने फोन को फुल चार्ज किया और सुबह में जब मैं 8 बजे उठा हूं 100% था रात में और सुबह जब मैं उठा हूं तो फोन वॉज एट 13%, मतलब समझिए कि ऑलमोस्ट 90% बैटरी ड्रेन हो चुका था पूरी रात में। तो एक सबसे बड़ा चीज मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, बग है इसके अंदर। बट मैंने जैसा कि बताया कि मैं इसे फैक्ट्री रिसेट करके देखूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स में अपडेट के बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा टाइम लगते हैं। Xiaomi तो खुद ही कहता है कि भैया यहाँ पर अपडेट करने के बाद अब कम से कम 24-48 hours फोन को ऑप्टिमाइज होने दो, देन लुक एट द परफॉर्मेंस। तो सेम चीज इसके साथ भी एप्लीकेबल ही होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर पे ही सारे फोन चलते हैं, तो उसके हिसाब से एप्लीकेबल भी इसके ऊपर भी वही चीज होगा। तो मैं भी वेट कर रहा हूं, देखता हूं अगर ये ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं फैक्ट्री रिसेट करके देखूंगा कि बैटरी यहां पर ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर ये अपडेट आपको आता है और बैटरी इश्यू से अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मेट करने को भी रेडी है अपने फोन को आप, तो मैं बोलूंगा कि आप इस अपडेट को कर लीजिए। कैमरा यहां पर परफॉर्मेंस और फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट हो चुका है, ओवरऑल ये क्विक
रिव्यू रहा यहां पे माइक्रोमैक्स इन2बी का लेटेस्ट सितंबर का सिक्योरिटी पैच के साथ जो अपडेट आया है। अपडेट आए आंख बंद करके कर लीजिए। बैटरी अगर आती है इश्यूज तो आई वुड सजेस्ट कि फैक्ट्री रिसेट वगैरह कर लीजिए। अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए। मैं एक और वीडियो डाल दूंगा कि आफ्टर अपडेट यहां पर माइक्रोमैक्स इन2बी का कैसा सर्विस है और कैसा यहां पर हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है। ओवरऑली आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, और अगर चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।